आप लोग की अक्सर एक क्वेरी रहती है कि आप स्टॉक एप्लीकेशन के थ्रू कैसे इन्वेस्ट करें, इसमें क्या फीचर है, क्या फंक्शन है, क्या फैसिलिटी है, थोड़ा बताएं। तो इस वीडियो में आप स्टॉक एप्लीकेशन का पूरा रिव्यू करने वाला हूं, जिसको देखने के बाद आसानी से आप स्टॉक एप्लीकेशन का पूरा फंक्शन जान जाओगे और क्या फैसिलिटी है ये भी आप जान पाओगे। चलिए गाइस वीडियो शुरू करते हैं और जान लेते हैं आप स्टॉक एप्लीकेशन में क्या फीचर है, क्या फंक्शन है। चलिए गाइस वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे ही आप अपना आप स्टॉक एप्लीकेशन का KYC कंप्लीट कर लेते हो, तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप स्टॉक में सारे फैसिलिटी अवेलेबल हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने मोबाइल में आप स्टॉक एप्लीकेशन को ओपन कर ले रहा हूँ और पूरा इसका फंक्शन फैसिलिटी बताता हूँ। तो यहाँ पे मेरा पिन मांग रहा है, तो पिन डालकर लॉगिन कर लेता हूँ। आप स्टॉक एप्लीकेशन में लॉगिन करने के बाद सबसे पहले आप स्टॉक के होम स्क्रीन पर आ जाओगे, तो आपको नीचे में चार ऑप्शन देखने मिल जाएंगे, माई लिस्ट, ट्रेड्स, डिस्कवर एंड अकाउंट। तो जैसे आप माई लिस्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हो, तो यहाँ पे इस प्रकार के ऑप्शन सोने लगते हैं और यहाँ पे कुछ स्टॉक के लिस्ट यहाँ पे सोने लगते हैं, जैसे यहाँ पे रिलायंस का और इसके अलावा TCS, HDFC बैंक का यहाँ सोने लगता है। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको बाय और सेल का ऑप्शन सोने लगता है। इसके अलावा यहाँ पे Nifty 50 और Nifty Bank का भी ऑप्शन सोने लगता है। और ठीक माई लिस्ट के पास में अगर आप ट्रेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो, तो यहाँ पे तीन ऑप्शन सबसे ऊपर में सोने लगता है, पोजीशन, होल्डिंग एंड ऑर्डर। और यहाँ पे रेगुलर GTT स्ट्रेटजी वाले ऑप्शन सोने लगते हैं। और ठीक अगर आप यहाँ पे डिस्कवर वाला ऑप्शन क्लिक करते हो, तो यहाँ पे आपको इन्वेस्ट टू IPO का ऑप्शन देखने मिल जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट टू IPO के सामने व्यू ऑल वाला ऑप्शन क्लिक करते हो, तो सारे IPO यहाँ पे सोने लगेंगे। तो ये जो है अपकमिंग IPO, अभी फिलहाल में कोई ओपन IPO यहाँ पे नहीं है। और यहाँ पे सिंपल इन्वेस्टिंग में आपको यहाँ पे बहुत सारे म्यूचुअल फंड का ऑप्शन मिल जाएंगे। तो यहाँ देख रहे म्यूचुअल फंड, और इसके अलावा यहाँ पे स्मॉल केस का ऑप्शन शो कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पे स्क्रॉल के नीचे आने के बाद मूवर एंड शेकर्स का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। और यहाँ पे इसके अलावा यहाँ टॉप गेनर, यहाँ पे स्टॉक का भी ऑप्शन मिल जाएगा। और इसके नीचे स्क्रॉल कराने के बाद एक्सचेंज ट्रेड्स फंड्स का भी ऑप्शन मिल जाएगा। और इसके नीचे आपको स्क्रॉल कराने के बाद सेक्टोरल और टॉप लूजर जो फंड्स है उसका भी ऑप्शन देखने मिल जाएगा। और यहाँ पे स्मार्ट इन्वेस्टिंग का ऑप्शन देखने मिल जाएगा। तो यहाँ पे व्यू ऑल वाला उसमें क्लिक करके आप यहाँ पे स्मार्ट इन्वेस्टिंग का पूरा ऑप्शन पूरा आप देख सकते हो। इसके अलावा आप अकाउंट वाला ऑप्शन जैसे क्लिक करते हो, तो यहाँ पे आपका सबसे पहले वैलेट सोने लगता है। तो आपका वैलेट में जो भी बैलेंस रहेगा यहाँ पे सोने लगेगा, अवेलेबल टू ट्रेड पूरा बैलेंस। और ठीक वैलेट के पास में रिफर एंड अर्न का ऑप्शन शो करता है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे रिफर एंड का ऑप्शन शो करने लगता है। तो यहाँ पे आप रिफ़र करके 50 रुपये इनकम कर सकते हो। जैसे अपने फ्रेंड को आप रिफ़र करते हो ऐप स्टॉक का यहाँ पे लिंक, और आपका फ्रेंड इस लिंक से अगर अकाउंट बना लेता है, इन्वेस्ट करता है, तो आपको 50 रुपये मिलेंगे। और इसके अलावा यहाँ पे रिफर एंड के पास अकाउंट का ऑप्शन शो करता है। इस पर क्लिक करने के बाद आपका प्रोफाइल का ऑप्शन शो करेगा। प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद माई अकाउंट डिटेल्स, माई ट्रेडिंग सेगमेंट, ट्रेडिंग प्लान्स, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे सुनने लगेंगे। तो बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन है, आप देख पा रहे हैं पूरा ऑप्शन आपसे रिलेटेड शो करने लगेंगे, आपके अकाउंट से रिलेटेड जो भी है वो शो करने लगेंगे। और इसके बाद यहाँ पे रिपोर्ट, अगर आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हो, प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट या ट्रेडिंग रिपोर्ट जो भी डाउनलोड करना है, यहाँ पे रिपोर्ट ऑप्शन क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे एक्शन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप यहाँ पे मार्जिन प्लेग और MTF ऑथोराइजेशन, इस तरह के आप PDF डाउनलोड कर सकते हो। अकाउंट के बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है सेटिंग का, तो सेटिंग वाला ऑप्शन क्लिक करके आप अपना अकाउंट से रिलेटेड यहाँ पे एडिटिंग कर सकते हो। तो जैसे मैं अकाउंट के सामने एडिट वाला ऑप्शन क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे आप स्टॉक का वेबसाइट ओपन हो गया। और यहाँ पे माय अकाउंट डिटेल्स, माय ट्रेडिंग सेगमेंट, ये सारे ऑप्शन सोने लग करने रहे मेरे प्रोफाइल से रिलेटेड। और इसके अलावा यहाँ पे नोटिफिकेशन यहाँ पे सेटिंग कर सकते हो, और यहाँ पे आप रिव्यू ऑर्डर कर सकते हो, और यहाँ पे थीम अपना बदल सकते हो। और यहाँ पे नीचे में लॉगआउट का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप लॉगआउट कर सकते हो। तो बहुत ही सिंपल है, आसान है ये आप स्टॉक एप्लीकेशन, आसानी से आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ से आप स्टॉक बाय और सेल कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आप म्यूचुअल फंड भी यहाँ पे आसानी से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आई होप क्लियर हो गया होगा कि आप स्टॉक एप्लीकेशन में क्या फीचर फंक्शन है। तो अगर अभी भी आपके मन में कोई कन्फ्यूजन या क्वेश्चन है आप स्टॉक एप्लीकेशन से रिलेटेड, तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक टेक केयर, जय हिंद।